यूं खाली बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, अपने कर्म की साख को भी हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से क्या होगा, तुम्हें अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आज हम एक और दिया चलाने चले हैं, डीपीपी नंबर 8, जो कि वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। वेक्टर के लीडर पॉइंट्स आपने कर लिए होंगे, थ्योरी लेक्चर कर लिए होंगे, अब प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, इफ वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल, दो वेक्टर दे रखे हैं, इक्वल कह रखे हैं, तो अपने को वैल्यू ऑफ ए बतानी है। बच्चों अपने को ये पता है कि जब ए वेक्टर इक्वल है तो ये पूरी पूरी जो ये जो है हमारे पास इक्वेशन है इक्वल होनी चाहिए थी। यहां पे देखो प्लस था, यहां 5 है और यहां पे माइनस ए है। अगर हम ए को -5 लिख दें यहां पे तो बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में अपने को कह रखा है कि पी जो है वो अपने को दे रखा है F1 प्लस F2 एंड क्यू दे रखा है F1 माइनस F2। F1 और F2 का अपने को मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहां पर हमारे पास पहले पी स्केयर निकाल लेते हैं, जो पी है वो इन दोनों वैक्टर का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास जो पी है ये आ जाएगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2F1F2 कोस थीटा आ जाएगा। पूरे के ऊपर रूट आना है, रूट ना लिख के हम यहाँ पे पी स्केयर लिख लेते हैं। सिमिलरली अब क्यू स्केयर की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो क्यू स्केयर है वो है F1 माइनस F2। माइनस अगर दो वैक्टर का देखना हो तो हमारे पास बस यहां माइनस आता है, तो इट विल बिकम F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर माइनस 2F1F2 कोस थीटा। अगर हम इन दोनों का सम ले लेंगे हमारे पास यहां आ जाएगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू, यहां हम देखेंगे तो हमारे पास ये पूरी टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी। यहां हमारे पास आ जाएगा 2F1 स्केयर प्लस 2F2 स्केयर। अगर हम यहां पर अब F1 F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं और रूट ले लेते हैं, तो यहां पर रूट लेंगे तो इट विल बिकम रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। अब हम यहां भी रूट भी ले लेते हैं और साथ साथ वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 × F1 का स्केयर करना है बच्चों। F1 क्या है देखो हमारे पास F1 है 3√2, इसका स्केयर करोगे 3 का स्केयर 9, रूट 2 स्केयर का स्केयर हो जाएगा 2, 9 × 2 = 18 बन जाएगा इस क्वांटिटी का स्केयर। हमने लिख दिया 2 × 18 प्लस हमारे पास 2 × F2 का स्केयर। देखते हैं बच्चों F2 कितना, देखो इसका स्केयर करते 16 × 2 हमारे पास 32, तो ये बन जाता इंटू में 32। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 36 प्लस में ये आ जाएगा 64 और ये अंडर रूट में, मींस इसको हम सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 100 आ जाएगा जो कि 10 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। टू वेक्टर्स आर गिवन ए एंड बी, फाइंड थर्ड वेक्टर सी इफ दिस इक्वेशन इज गिवन। बच्चों अपने को साफ साफ दिख रहा है कि जिसमें भी a + 3b इज इक्वल टू सी आ जाए, क्योंकि तो इसको वहां लेके प्लस का बन गया, वही हमारा ऑप्शन होगा। तो बच्चों अपने को फाइंड थर्ड वेक्टर सी करना है, मींस कि इनडायरेक्टली अपने को सी की वैल्यू निकालने वो ये होगी। तो ए वेक्टर को हमने ऐसे कैसे एज इट इज लिख दिया, दैट इज 3i प्लस j प्लस 3k। अब हम लिखते हैं अपने बी वेक्टर, उसमें 3 मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 3 × 3 ये आ जाएगा 9i प्लस 5 × 3 ये आ जाएगा 15 j प्लस सॉरी माइनस में 3 × 2 = 6, ये माइनस कर देते हैं 6 k। अब इन दोनों को ऐड करना है, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना है बस आई से आई मल्टीप्लाई करना है, जे से जे, आई से आई को ऐड करना है, जे से जे को ऐड करना है और के से के को ऐड करना है। तो दिस वुड बी 12 + 16 - 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और यहां से भी हमारे पास बच जाएगा 12 i, j, k। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 12, 16
3, 12, 16 माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है एंड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। बच्चों इसमें अपने को कह रखा है कि पी क्यू ए वेक्टर है, मैं लिख देता हूं पी क्यू अपने को कह रखा है ए वेक्टर है, और ये अपने को दे रखा है क्यू आर बी वेक्टर, और आर एस दे रखा है सी वेक्टर, एंड ये साइड पूछिए। तो बच्चों अगर हम पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन का यूज करें, पॉलीगन लॉ यूज होता है जब अपने को एन नंबर ऑफ फैक्टर्स को ऐड करना हो, ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो यहां से बच्चों हमारे पास आ जाएगा पी क्यू जो है ए बी सी तीनों सेम साइड में, जो पी क्यू है ये सेम ऑर्डर में, पी क्यू देन क्यू आर और ये तीनों सेम ऑर्डर में, तो जो रिजल्टेंट साइड होती है वो अपोजिट ऑर्डर में होती है, रिजल्टेंट साइड है वो उसके ऑर्डर के अपोजिट है, इन तीनों का सम जो है ये रिजल्टेंट साइड होगी, हेंस जो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी। वैसे बच्चों मैं आपको एक लूप रोल लॉ भी बताता हूं, तुमने जब भी है ना कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो हमेशा ही तुम उसके टेल से हेड की तरफ जाया करो, जैसे इसका रिजल्टेंट निकालना तुम यहां से चलो और यहां तक पहुंचो, जो भी रास्ते में उनको ऐड करते जाओ, सेम ऑर्डर है तो ऐड, अपोजिट ऑर्डर है तो माइनस, आगे क्वेश्चन में भी आएगा तब मैं एक बार इसको दोबारा बताऊंगा। इसमें सारे सेम ऑर्डर थे, तीनों को ऐड किया तो ये नेट रिजल्टेंट आ गया, हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में अपने को दो वैक्टर दे रखे हैं और दोनों वैक्टर के बीच में अपने से एंगल पूछा है। बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी ना हो जाए इसलिए पहले से सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। यहां पर अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट होती क्या है, ए डॉट बी होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, तो हमें इसके लिए पहले इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, मतलब आई से आई वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और ऐसे ही जे से जे वाले मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 9, ऐसे ही के से के वाले मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गई, कोस थीटा देखना तो ए और बी का मैग्नीट्यूड इसकी डिवाइड में लाना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा क्या अंडर द रूट फर्स्ट ए एक्स के मतलब आई के कंपोनेंट का स्केयर, बी का जे के कंपोनेंट का स्केयर और ऐसे ही के कंपोनेंट का स्केयर, वहां पे भी सारे आई जे के कंपोनेंट्स का स्केयर करके ऐसे बी ये भी निकाल लेंगे ये भी निकाल लेंगे, इनको यहां डिवाइड कर देंगे, यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ये 25/29। अगर कोस थीटा 25/29 आ गया थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 25/29 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। बच्चों अपने को कॉलम मैच करने, सबसे पहले अपने को मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो वाली चीज याद रखो कि अपने को किसी भी वेक्टर के एक पॉइंट चलते हैं और उसके हमें जो वेक्टर फाइंड करना है पूरी लूप लगा लो और नेट इक्वल टू जीरो रख दो, जैसे कि यहां से चले हो ना यहीं पे वापिस आना है, जो जो वेक्टर आया सबको ऐड करते जाओ इक्वल टू जीरो लिख दो, इस तरह से भी रिजल्टेंट निकल सकता है, ये आपको बहुत यूजफुल ट्रिक है। बच्चों यहां से जब आप देखोगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा ए वेक्टर ए का ऑप्शन इनका रिजल्टेंट आ गया। ऐसे ही मैं एक बार बी का रिजल्टेंट भी निकाल लेता हूं, देखो मैं चला इस पॉइंट से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ यहां पे एंड करना है, हमारे पास आ जाएगा जब हम जा रहे हैं इधर से यहां तो आ गया ए वेक्टर प्लस में, इधर से ऊपर जा रहे हैं ये हमारे साथ साथ चल रहा है, हम यूं चल रहे हैं तो हमारे साथ साथ चल रहा है बी भी हमको ही फॉलो कर रहा है तो प्लस का बी, लेकिन देखो जब हम ऊपर से जब इधर आ रहे हैं वापस तो ये हमको अपोज कर रहा है इसलिए यहां पे माइनस सी लिख इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, ऊपर वेक्टर लिख दो, नहीं लिखोगे तो आपको ऑप्शन में तो क्लिक ही करना है। अब हम यहां से देखें ऐसे ही इसका रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं, सी से चले ये हमको फॉलो कर रहा है सी प्लस बी माइनस का आ जाएगा ए, क्योंकि हम सी से चले इधर गए इधर से ऊपर गए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब नीचे आ रहे हैं ए वेक्टर तो ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस का ए आएगा इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। एक बार इन तीनों ऑप्शन देख लेते हैं हमारा आंसर जो है ऑलमोस्ट तीन से ही आ जाएगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी और कॉलम में मैच करो, यहां से जब ये सी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी, तो देखो आर मतलब ए को यहां पे सुटेबल है ए के लिए, ये जो इसका रिजल्टेंट है यहां से आर, तो ए का आर इन दो ऑप्शन में है ए में भी है और बी में, मीन्स ये सी और
डी नहीं हो सकते। चलो अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं, जो बी का हमारा जो सॉल्यूशन किया था हमने, लूप ली थी इसमें, ए प्लस बी ये वहां जाके सी बन जाएगा। देखो कहीं पे ए प्लस बी सी है तो हम कहेंगे एस, यस इसमें हमारे पास आ जाएगा, जो बी है उसको क्या मैच कर रहा है, ये वाला एस, इसमें भी बी एस है। अभी बात बनी नहीं, अब बात आती है सी वाला, देखते हैं सी में क्या था बच्चों, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, देखो कहीं पर है सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, ये देखो इसमें सी प्लस बी, ये वहां जाके ए ही बनेगा, तब ए वहां चला जाएगा। ये पूरी टर्म को मैं यहां ले जाता हूं, देखो ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसमें भी वही आ रहा है, तो सी पी को मैच करना चाहिए, जो सी वाला है इसका रिजल्टेंट क्या है, ये हमारा जो आया, तो हमने देखा ये वाला जो है इसमें सी पी है, तो हैंस ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे सी के होने से इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, वो कह रहे हैं वेक्टर ए मेक्स एन एंगल दिस अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, तो हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में पढ़ रखा होता है डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आता है हमारे पास वन। जैसे कि मैं कह दूं इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा वन। अब बच्चों इसको हमने साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो कोस को लिख सकते हैं हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये मिला के वन बनते हैं, तो कोस क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस में वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा वन। अब आप यहां से देखोगे तो आ जाएगा वन वन और वन, थ्री माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, इसको वहां ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास उधर जाके माइनस का टू, ये थ्री को वहां ले जाएंगे माइनस का थ्री, वन से जाएगा तो माइनस टू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टू, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस दिस एंड दिस इज आर, इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल देन रिजल्टेंट आल्सो डबल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। तो वही इजी सा क्वेश्चन है, देखो वो कह रहे हैं 3p और 2q का रिजल्टेंट r है, तो हमने लिख दिया ये ट्रायंगुलर लॉ लगा के लिख दिया रिजल्टेंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टाइप में हमने लिख दिया। अब इसको जब सोल्व किया हमने तो हमारे पास यहां से ये वाली इक्वेशन आ गई, इसको यहां पर हम यहां तक समझ चुके हैं, डायरेक्ट हमने रिजल्टेंट निकाला दो वेक्टर का। अब देखो वो कह रहे हैं व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज डबल, जब हमने फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया, 3p का कितना कर दिया 6p, दूसरे का तो कुछ नहीं किया वो तो उतना रखा, दो रिजल्टेंट डबल हो गया तो आर की जगह मुझे अब यहां क्या पुट करना पड़ेगा टू आर, इसको फिर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया सोल्व किया, यहां से भी एक आर स्केर आ गया। अब आर स्केर इक्वेशन फर्स्ट से भी आ चुका है और इक्वेशन सेकंड से भी आ चुका है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, अब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 13p² + 12p² cos² थीटा इज इक्वल टू ये सारी टर्म यहां आ जाएगी 10p² + 6p² cos थीटा। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों फर्दर सोल्व करते हैं, कोस थीटा वाली टर्म को एक तरफ ले गए, सिंपल टर्म को इधर ले आए, 3p² आ जाएगा माइनस का 6p² कोस थीटा, यहां से कोस थीटा निकालते हैं, पहले तो p² कैंसिल हो गया, ये माइनस सिक्स नीचे आके कोस थीटा आ जाएगा माइनस हाफ, तो थीटा जो है वो होगा 120 डिग्री, क्योंकि कोस 120 डिग्री पे माइनस हाफ होता है, ये अपने को ऑलरेडी पता होना चाहिए, तो हेंस जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दैट वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे, नाइन्थ क्वेश्चन अपने कह रखा है ए वेक्टर है बी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर टू हो बोथ ए एंड बी। बच्चो देखो ए और बी के परपेंडिकुलर तब हो सकता है अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उससे जो वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर है, अब उसका यूनिट वेक्टर ले लें तो हमारे पास वही आंसर होगा। तो पहले हमने ए क्रॉस बी किया तो आई जे के लिख दिया, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना रखी है इसकी कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, डिटेल में भी पढ़ सकते हो। तो हमारे पास ए क्रॉस बी ये वाला वेक्टर आ गया ये पूरा, अब ये वेक्टर है ये इसका यूनिट वेक्टर देखना, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या डायरेक्शन देखनी, डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा एक्स के कंपोनेंट का स्केयर वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का स्केयर, तो आ जाएगा ये
7√2। तो चलो मैंने एक रोज बी निकाला, दैट मीन्स ये इसको किससे डिवाइड कर दूं, 7√2 से। इसको मैंने इतनी चीज को अलग डिवाइड कर दिया और इस वाली चीज को इससे अलग डिवाइड कर दिया, मतलब एड में से दोनों से अलग अलग डिवाइड लिख दिया। तो आ जाएगा माइनस का 1/√i1 प्लस में 1/√i प्लस में 1/√2 k कैप। फिर सुन लो, माइनस 1/√i कैप प्लस 1/√k कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th क्वेश्चन बच्चों अपने कह रखा है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। बच्चों देखो ये कह रखा है कि इसका जो है ना रिजल्टेंट है वो इसका हाफ मैग्नीट्यूड है। अगर आप मैं यहां से देखूं तो अगर ये बी वेक्टर है, थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, कोस थीटा, तो मैं कह दूंगा बी का कोस थीटा कंपोनेंट, थीटा की जगह इन्होंने एंगल बीटा दे रखा तो बीटा ले लेते हैं, बी कोस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गिवन है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी बाय टू है। जब ये बी बाय टू है तो कोस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तब यहां बी बाय टू लिखोगे, यहां बी था, ये बी से बी कट जाएगा, कोस बीटा आ गया हाफ, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। कोस बीटा अगर हाफ आ गया तो 60 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू हाफ होती है। हैंस जो हमारे पास द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अब ये अगर 60 आ गया, अपने को ए और बी में बताना है, हैंस तो बच्चों 90 प्लस 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 150। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। 11th क्वेश्चन में अपने को गिवन है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। तो ये सेम क्वेश्चन है, पहले अपन इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनकी आ जाएगी ये, ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको आता ही होगा, नहीं तो ऑलरेडी वीडियो बना रखे, इससे पहले जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया ही है। और अब इसी के मैग्नीट्यूड, ये तो सुनो, अब ये दोनों से जो क्रॉस प्रोडक्ट आई है वो दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ गया, उस वेक्टर का अपने क्या देखना होता है, ओनली डायरेक्शन, मतलब वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आई है, इसका मैग्नीट्यूड आया ये, इसको सोल्व करके देखा तो आ गया 5/√17। तो इससे हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा i-10-18, ये वाला आ जाएगा i-10-18 बाय में 5√17। हैंस बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दे आर सेइंग ए वेक्टर बी वेक्टर इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बच्चों वैसे तो देखो जो जो इजी चीजें वो करते हैं, पहले ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3² + 4² का रूट, क्योंकि एक्स के आई कोफिशियंट का, आई के कोफिशियंट और जे के कोफिशियंट का स्केयर करके रूट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 16 = 25 का √5। ये बात तो ठीक है। ऐसे ही बी का जो आ जाएगा मैग्नीट्यूड वो 10 आ जाएगा, और जब आप 5/10 करोगे तो 1/2 आएगा, ये भी ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेना भी आसान है, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई से आई वाले मल्टीप्लाई 24 और 4 और ये 24 ऐड करके इनकी डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगी 48। अब बच्चों इसका मतलब ये वाला जो है ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने इनके पूरा सोल्व करके बता रखा है, ए ये आएगा, बी आएगा, ए बाई बी आएगा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आप देख लेना ये आ जाएगी हमारे पास, सॉरी इसमें क्या है 48a.b, ये आ गया हमारे पास 6 × यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, ये यहीं से ही बात बन जाएगी, देखो 3 × 6 करेंगे तो 18 आ गया, 18 + 4 × 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 4 × 8 आ गया 32, ये थोड़ा सा मैं गलत बोल गया था, तो ये आ गया 50, यही ये आंसर आ गया हमारा, ये मतलब ये रॉन्ग है, यही अपने को बताना था, तो हैंस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर भी मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल के दिखा रखी है ऑलरेडी, और डॉट प्रोडक्ट हमारी 50 आ रही है, पर यहाँ पे क्या है 48, तो ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13th पे। 13th क्वेश्चन में अपने को ए वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी निकालो, उसकी डॉट प्रोडक्ट लो सी के साथ। पहले ए क्रॉस बी जो हमने फाइंड किया वो आ गया ये वेक्टर, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेनी आनी चाहिए, ये आपको आना चाहिए, उसके बाद यहां पे पहुंच गए हैं,
डॉट में सी करना है, मतलब इसके डॉट में ये करना है। तो अपने पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, आई से आई वाले मल्टीप्लाई, तो माइनस सिक्स से वन एड मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा, जे के साथ जे 12 इंटू वन करोगे 12 आ जाएगा, यहां नाइन है वहां के का कोफिशियंट वन है तो नाइन आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ए कॉस बी अपने को सी कह रखा है तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। बच्चों देखो, अगर ये ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर है, अगर एक ए वैक्टर है एक बी वैक्टर है, तो हमें पता है कि सी वैक्टर जो है वो ए क्रॉस बी होता है, मतलब ए पे हाथ रखो बी की तरफ जाओ, हम कहा आएगा बाहर, सी वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ए सी और ए भी परपेंडिकुलर होते हैं, और ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, बस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन है सी इज परपेंडिकुलर टू ए, ये तो ठीक है, दिस इज करेक्ट, सी परपेंडिकुलर टू बी होगा, ये भी करेक्ट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, और इस डायरेक्शन के साथ और एक बाहर वाली जो डायरेक्शन है, जो आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, वो और ये भी परपेंडिकुलर होंगे, ये भी ठीक है, पर ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों, ये समझते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है ना वो ऑलरेडी, अगर सी आ रहा है, ए क्रॉस बी जो वैक्टर है उसकी डायरेक्शन सी की तरफ तो होगी, तो क्या रखा है ए क्रॉस बी सी है, क्या सी सी के ही परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि हमें रॉन्ग बताना था इसके अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, 15 क्वेश्चन में अपने को ये कह रखा है कि ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सी की वैल्यू बताओ। बच्चों कह रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट फर्स्ट एक्स के आई वैक्टर के आई कैप के कोफिशियंट का स्केयर, जे के कोफिशियंट का स्केयर, के कोफिशियंट का स्केयर कर दिया, इज इक्वल टू 1 दे रखा है, दोनों साइड स्केयर ले लेंगे, ये रूट कट जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे अंदर 0.80 आ जाएगा, वहां गया तो 0.80 1 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 ही आ रहा है, 1 का स्केयर 1, 1 में से माइनस होगा तो सी स्केयर 0.2 आ जाएगा, सी आ जाएगा रूट 0.2, तो सी आ गया हमारे पास रूट 0.2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इफ वेक्टर ए बी ये दिस मच रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज लेंथ, तो एक्चुअली में अपने को क्या कह रखा है, ये ट्रायंगल की दो साइड है, हमें ये पता है कि ट्रायंगुलर लॉ से अगर हमें ए और बी टू साइड दे रखी है, तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है वो हम क्या होता है, इसका इन दो वैक्टर का रिजल्टेंट ही होता है, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है, तो वो क्या होती है, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इनका रिजल्टेंट होता है, मतलब इनका दोनों का वैक्टर एडिशन कर दो, इन दोनों का वैक्टर एडिशन करोगे तो हमारे पास ए वेक्टर जो अपने को दे रखा था कितना, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर इज गिवन टू अस 5 आई कैप, इनको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर आ चुका है बच्चों। अब अपने को मतलब ये थर्ड साइड आ चुकी है, ए प्लस बी वेक्टर मतलब थर्ड साइड आ चुकी है, अब थर्ड साइड जो है वो ये आ चुकी है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, क्योंकि आंसर में देखो सब क्या है मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो आ जाएगा अंडर द रूट आई कैप के कोफिशियंट का स्केयर, दैट मींस 36 प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास 4, इसका स्केयर करोगे 16, तो आ जाएगा ये 40 प्लस 16 अंडर रूट 56, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, द एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर दिस विद एक्स एक्सिस, तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने को ये पता है कि आई और जे इस तरह से हैं, अब आई जे का रिजल्टेंट जो है वो इनके बीच में होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 1 है, देखो दो वेक्टर तो है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इनका रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बीच में, और एक्स एक्सिस आई कैप को बोलते हैं, तो ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री जो होता है वो होता है पाई बाय 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है That will be correct. Next हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18th क्वेश्चन में बच्चों वही हम लूप लो वाला इस्तेमाल करेंगे, देखो वो कह रहे हैं अपने को आर क्यू जो है वो 2 PR दे रखा है, अब आर क्यू होगा क्या बच्चों, देखो अपने को आर क्यू को फाइंड करना है, तो आप टेल से चलो और इधर आ जाओ, ठीक है, या फिर किसी भी पॉइंट से चलो वहीं खत्म हो जाओ, इक्वल टू जीरो लिख दो,
सबसे पहले हम आर पॉइंट से चलते हैं, तो आर से चले हम क्यू पे, तो हमारे पास आर क्यू वेक्टर जो है, देखो आर क्यू बोला ना, हाँ जो आर क्यू वेक्टर है ये कितना आ जाएगा, आर क्यू जब आप यहां से ऊपर जाओगे प्लस में, प्लस में कितना कर दें, माइनस का ए, माइनस ए, क्योंकि मैंने कहा जिस पॉइंट से चले हैं ना, जैसे आर से चले हैं, आर पे खत्म हो जाओ, एक लूप बना लो, ए हमको अपोज कर रहा है क्योंकि हम पहले आर से क्यू गए, जब क्यू से ओ आएंगे तो ए हमसे अपोजिट है, तो माइनस का ए, फिर हम आर टू क्यू गो, क्यू से ओ आए, ओ से फिर वापिस आर जा रहे हैं, तो बी हमारी साइड में ही है, इक्वल टू क्या, जीरो। यहां से आप आर क्यू निकाल लो कितना आ गया, यहां से आ गया आर क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी। सिमिलरली बच्चों अब आप निकाल लीजिए पी आर, पहले पी आर साइड निकालो, देखो पी से आर गए, पी आर वेक्टर आ गया, अब यहां से नीचे आ रहे हैं माइनस का बी, क्योंकि बी वेक्टर उधर है और हम नीचे आ रहे हैं, यहां से पी से आर गए नीचे आ गए, अब यहां से उधर जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया लूप बनानी है, लूप बनाने के लिए देखो हम कहां गए, पहले पी से आर गए, फिर आर से ओ गए, फिर यहां तभी लूप बनेगी। जब बच्चों बी हमसे अपोजिट है क्योंकि हम तो चल रहे लूप में, इस तरह सी हमारी डायरेक्शन में है क्योंकि हम यहां से इसको फॉलो कर रहे हैं, सी हमारी डायरेक्शन में है, तो प्लस में क्या कर दिया मैंने यहां पर सी वेक्टर, यहां नहीं, यहां जो अपन यहां फाइंड कर रहे हैं ना, प्लस में यहां आ गया हमारे पास सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना बच्चों, जीरो। यहां से पी आर निकाल लो कितना आएगा, यहां से पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी, वहां जाके प्लस का हो जाएगा बी माइनस सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ये कह रखा है कि आर क्यू इज इक्वल टू टू पी आर है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, आर क्यू को तो हमने लिख दिया ए माइनस बी इज इक्वल टू टू पी आर, इसका टू टाइम करोगे आ जाएगा टू बी माइनस टू सी, तो यहां से अब देखो इस साइड पे सबके बी 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 है, तो बी वाली टर्म को यहां पर इसको यहां ले आते हैं, बी को वहां ले जाते हैं, तो आ जाएगा ए प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री बी, थ्री बी वाला ऑप्शन या तो ए है या डी है, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री बी, डी वाला जो है वो करेक्ट होगा, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 पे बच्चों अपने कह रखा है टू वेक्टर्स हैं और उसके लिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड एन टाइम है ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है। बच्चों हम इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस टू ए बी कोस थीटा का रूट, रूट का मैंने स्केयर कर दिया, मतलब ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू, देखो ये हमारे पास होगा ए माइनस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, क्या था ऊपर रूट, दोनों तरफ स्केयर कर दिया तो यहां का रूट भी कट गया वहां का कट गया और एन की जगह क्या आ गया एन स्केयर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी एन टाइम ए माइनस बी, पहले इसकी वैल्यू लिखी रूट में आई होगी इसकी रूट में आई होगी, दोनों तरफ स्केयर किया तो यहां आ गया एन स्केयर। आगे बच्चों बहुत सिंपल है, इसको जब हमें कह रखा कि ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इसको भी ए लिखा इसको भी ए, तो बी को भी ए लिख दिया, ए तो ए है ही, ये हमारे पास आ जाएगा टू ए स्केयर प्लस टू ए स्केयर कोस थीटा, वह एन स्केयर है, अंदर बन जाएगा टू ए स्केयर माइनस टू ए स्केयर कोस थीटा, इससे ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी, ये कैसे आ गई ये भी मैं बता देता हूं। पहले तो आप देखो बच्चों सब में इसमें से टू ए स्केयर कॉमन आके कट जाएगा, यहां हमारे पास बच जाएगा इसके बाद वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्केयर ब्रैकेट में बच जाएगा वन माइनस कोस थीटा, क्योंकि टू ए स्केयर तो पूरी इक्वेशन में से कॉमन आके आपस में कैंसिल हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे तो वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्केयर माइनस एन स्केयर कोस थीटा, अब हम कोस थीटा वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं तो ये इधर आके क्या बन जाएगा एन स्केयर कोस थीटा, ऑलरेडी प्लस में कोस थीटा था ही इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया था एन स्केयर और ये वन आके बन जाएगा माइनस का वन। अब इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया एन स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया एन स्केयर माइनस वन, ये हमारे पास यहां तक पहुंचा दिया मैंने आपको। अब यहां से कोस थीटा देखना तो ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा एन स्केयर माइनस वन डिवाइड में एन स्केयर प्लस वन, थीटा जब देखना बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास
वहां जाके कोस बन जाए कोस इनवर्स, थीटा जाए कोस इनवर्स एन स्केयर माइनस वन अपॉन एन स्केयर प्लस वन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी जो कि है क्वेश्चन नंबर 20th। वो कह रहे हैं ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी है, बी को रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट क्यू हो जाता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मींस बच्चों वो कहना चाह रहे हैं कि ए और बी इज ऑफ मैग्नीट्यूड पी, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो अपने को पी दे रखा है। तो एक्चुअली में पी होना क्या चाहिए, पी होना चाहिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, टू ए बी कोस थीटा। तो हमारे पास इस पूरे का रूट था तो मैंने यहां स्क्वायर कर दिया, यहां आ गया पी स्क्वायर। सिमिलरली अब जब बी को रिवर्स कर देंगे तो इसको दो वेक्टर को हम कह रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट बोल दें, रिवर्स कर दिया, यहां एंगल हम बोल सकते हैं कि पाई का हमने और डिफरेंस दे दिया, यहां माइनस आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर था ये बी था तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं बी को रिवर्स करूंगा तो ये ए है, अब ये माइनस बी बन गया, इनका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। अब अपने कह रखे रिवर्स करने के बाद जो रिजल्टेंट आया ना वो क्यू दे रखा है, तो क्यू स्केयर क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आप समझ रहे हो दो वेक्टर का ये ए और बी, ए माइनस बी ले रहे हैं तो यहां माइनस आ जाएगा, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल ही। जब भी एक वेक्टर को रिवर्स करेंगे तो मतलब यहां पे माइनस आ जाएगा, या हम कह दें अब दो वेक्टर का हम सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। ये बच्चों आ गया अच्छा जी क्वेश्चन में पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म तो देखो कैंसिल हो जाएगी, टू टाइम ये टू टाइम ये टू कॉमन आ जाएगा तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो टू ए स्केयर प्लस टू बी स्केयर आना था, टू कॉमन आ गया तो आंसर आ गया हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर टू टाइम, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये थे बच्चों हमारे पास डीपीपी नंबर 8th के सॉल्यूशन। होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद हम मिलेंगे डीपीपी नंबर 9th के साथ।